फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडीएस केमिस्ट्री। हमने सेकंड पार्ट वीडियो में उसकी डिटेल मैकेनिज्म बताई थी। अब हम यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताएंगे इस प्रेजेंट वीडियो में। क्या बताएंगे? जो कैटलिस्ट होता है उसकी सेलेक्टिविटी, कैटलिस्ट वही अच्छा माना जाता है जो सेलेक्टिव होता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर साइट पे ही वो अटैक करता है। उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आते हैं, वो हम आपको बताएंगे। पहला पॉइंट क्या है, ये देखिए, एक मॉलिक्यूल है, इसमें टर्मिनल एल्कीन भी है और टर्मिनल एल्काइन भी है। अगर इसका हाइड्रोजनेशन आप करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट, तब आप देखते हैं कि जो टर्मिनल एल्काइन है ये ज्यादा सेलेक्टिव है, मतलब टर्मिनल एल्काइन्स आर हाइड्रोजनेटेड मोर रैपिडली देन टर्मिनल एल्कीन्स। यहाँ पे देखो, ये टर्मिनल एल्कीन पे रिएक्शन ना होकर के टर्मिनल एल्काइन को रिड्यूस करके एल्कीन में बना दिया है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, यहां देखिए, डबल बॉन्ड्स कई प्रकार के होते हैं, कंजुगेटेड होता है, आइसोलेटेड होता है। तो कंजुगेटेड क्या होते हैं, जो कंजुक्यूटिव होते हैं, ये दोनों आपस में कंजुगेशन है, ये यहां गया तो ये यहां गया, ये वाला देखिए आइसोलेटेड है ये डबल बॉन्ड। तो जो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है वो सिलेक्टिव होता है आइसोलेटेड डबल बॉन्ड के लिए। देखो यहाँ पे थ्री डबल बॉन्ड्स हैं, लेकिन विल्किंसन कैटलिस्ट जो है वो सिलेक्टिवली हाइड्रोजनेट करता है दिस आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को। ये देखो यहाँ पे सिचुएशन हुआ। ये सिलेक्टिविटी में थर्ड पॉइंट क्या है कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, देखिए ये मोर सब्स्टिट्यूटेड, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, दोनों डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है वही हाइड्रोजनेट होता है, मतलब कि विल्किंसन कैटलिस्ट की सिलेक्टिविटी जो है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के लिए ही है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, देखो ये दो टाइप के यहाँ डबल बॉन्ड्स मौजूद है, एक क्या है एक्सोसाइक्लिक है और ये क्या है एंडोसाइक्लिक है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स आर सेलेक्टिवली हाइड्रोजनेटेड ओवर एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स। यहाँ पे आप देखिए जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है वही हाइड्रोजनेट हो रहा है, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इंटैक्ट है। ये सेलेक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में फिफ्थ पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डबल बॉन्ड जो होते हैं, एल्कीन जो है दो प्रकार की होती है, सिस एक ट्रांस। ठीक, तो जो विल्किंसन कैटलिस्ट की सेलेक्टिविटी है वो हमेशा सिस एल्कीन के लिए होती है। देखो यहाँ पे ये ट्रांस है, ये सिस है, तो ये सिस वाली एल्कीन ही हाइड्रोजनेट हो रही है, यू कैन सी हियर इन द प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है और उसमें दो टाइप के बॉन्ड है, सिस है ट्रांस है, और पूछा गया कि विल्किंसन कैटलिस्ट से कौन सा हाइड्रोजनेट होगा, तो हमेशा सिस वाला होगा। और सिक्स्थ पॉइंट क्या है, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे सी डबल बॉन्ड सी सी एन एनओ टू एराइल और सी ओ आर। अगर ये ग्रुप्स हैं, इनकी प्रेजेंस में डबल बॉन्ड भी है, ये एल्कीन भी है, यहाँ देख लीजिए इस एग्जाम्पल में एनओ टू ग्रुप भी है और ये कीटोन है और ये एल्कीन है। आपने कैटलिस्ट लिया विल्किंसन, अब देखिए सिर्फ सिलेक्टिवली यही एल्कीन ही रिड्यूस हो रहा है और ये सब इंटैक्ट एज इट इज है। सिक्स पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखिए दो जगह डबल बॉन्ड है, लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो डबल बॉन्ड पोलर ग्रुप सी एन यहाँ पे क्या है पोलर ग्रुप है, इसके पोलर ग्रुप के जो नियर है दैट इज द डबल बॉन्ड नियरर टू अ पोलर ग्रुप आर हाइड्रोजनेटेड मोर रैपिडली। ये जो डबल बॉन्ड इसके नियरर है पोलर ग्रुप के, यही देखो सिलेक्टिवली यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, ये वाला इंटैक्ट बना हुआ है। एट्थ ग्रुप क्या है, ये ऑब्जर्व किया गया है जो एल्काइन्स है इन प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन्स गिव द सिस प्रोडक्ट एज द मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए हमेशा सिस एल्कीन बनी है, तो ये इसकी सिलेक्टिविटी है। जी अब देखिए सिलेक्टिविटी पॉइंट्स है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे गए हैं कि इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या, ऑर्डर ऑफ सेलेक्टिविटी कहिए, तो टर्मिनल एल्काइन टर्मिनल एल्कीन इन दोनों में टर्मिनल एल्काइन मोर सेलेक्टिव है, ऐसे फिर ब्रांच
एल्कीन है, फिर उसके बाद आइसोलेटेड एल्कीन और लीस्ट सिलेक्टेड क्या है, कंजुगेटेड एल्कीन। इसका हम एग्जांपल को देख लीजिए, ये देखिए ये सिंपल एल्कीन है और ये साइक्लिक है, तो सिंपल वाले साइक्लिक के ऊपर प्रेफरेबल है। दूसरा क्या है, ब्रांच्ड, ब्रांच्ड है लेकिन इधर देखिए ये टर्मिनल मान लीजिए ये फ्री है, ये इस टाइप की सिलेक्टिविटी क्यों है, क्योंकि जो विल्किंसन कैटलिस्ट है उसमें ड्यू टू ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिगेंड ये बहुत बल्की कैटलिस्ट है, तो जब कोई चीज बल्की है तो वो जहां पे स्पेस ज्यादा होगा वहीं पे जाके अटैक करेगा, तो ये स्पेस यहां पे ज्यादा है इसके। अच्छा हमने ये बताया था कि सिस और ट्रांस में सिस ज्यादा सिलेक्टिव है, इसलिए देखिए सिस है फिर ट्रांस, फिर उसके बाद अभी देखो बल्कीनेस यहां बढ़ रहा है तो ये उससे कम हो गया, यहाँ पे मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड है हर पॉइंट पे, ये सबसे लीस्ट सिलेक्टिव है फॉर विल्किंसन कैटलिस्ट। हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स विद विल्किंसन कैटलिस्ट, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है कि जो सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन है दैट इज इथिलीन C2H4, इसके हाइड्रोजनेशन जब विल्किंसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है तो क्या होता है, क्यों, क्योंकि इथिलीन जो है सबसे सिंपलेस्ट है, तो आप देखिए यहाँ पे इथिलीन का हाइड्रोजनेशन हो रहा है विल्किंसन कैटलिस्ट से, ठीक, तो क्या बनता है ये इंटर, ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एक इसमें क्या होता है मैं बताता हूं आपको, ये आपका विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता था कि एक ट्राइफिनाइल फॉस्फीन डिटैच होता था और यहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आके लग जाता था, लेकिन ये जब हम इथिलीन लेते हैं तो ये जो है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से कंपीट कर जाता है, और कंपीट कर जाता है तो क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां पे आपका इथिलीन आके लग जाता है ईटा को, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है आपका ये बहुत ही स्टेबल है, अब फर्दर हाइड्रोजन का एडिशन नहीं हो पाता है, तो इसलिए यहां पे ये इथिलीन को क्या कहते हैं, कैटालिटिक इनहिबिटर, कैटालिटिक इनहिबिटर मतलब जो इथिलीन है वो इस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस को इनहिबिट कर देती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स विद विल्किंसन कैटलिस्ट, तो उसके पहले हम कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड टर्म्स बताएंगे आपको, सिनेरेशन क्या होता है, सिनेरेशन क्या होता है, जब आपका ये एडेड ग्रुप, जो ग्रुप एड हुआ है, जो ग्रुप एड होने वाला है वो अगर सेम फेस से एड होता है, अटैच होता है, तो उसको क्या कहते हैं, सिनेरेशन। एंटीडेशन क्या होता है, दी एडेड ग्रुप बिकम अटैच टू दी अपोजिट फेस, अगर एक ऊपर से और एक नीचे से, अपोजिट ये प्लेन हुआ, एक ऊपर से एक नीचे से अटैच हुआ तो वो एंटीडिशन है, अगर दोनों ही ऊपर से हो रहे हैं तो सिनेरेशन है, अगर दोनों ही नीचे से अटैच हो रहे हैं तो वो सिनेरेशन है। दूसरी बात, एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच स्टीरियो केमिकली डिफरेंट मटेरियल रिएक्ट डिफरेंटली, तो उस रिएक्शन का कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक, मतलब अगर दो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, जैसे एक सिस है एक ट्रांस है, तो दोनों अगर किसी एक सेम कैटलिस्ट से रिएक्शन करा रहे हैं या सेम रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं और दोनों आइसोमर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट दें, सिस है तो दूसरा प्रोडक्ट देगा, ट्रांस है तो दूसरा प्रोडक्ट देगा, इस तरह की रिएक्शन को क्या कहते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक। दूसरा क्या है, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, अ रिएक्शन दैट यील्ड्स प्रीडोमिनेंटली वन स्टीरियो आइसोमर, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, और वन पेयर ऑफ इनेंसियोमर्स, जबकि पॉसिबिलिटी बहुत सारे डायस्टीरियस डायस्टीरियोमर्स बनने की हो, अगर बहुत सारे डायस्टीरियोमर्स बनने की पॉसिबिलिटी है उसमें से एक्सक्लूसिवली वन स्टीरियोमर्स आइसोमर्स और वन पेयर ऑफ इनेंसियोमर्स बनते हैं, तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। अब हम रिएक्शन देखेंगे, स्टीरियो सिलेक्टिविटी कैसे आती है, देखिए यहाँ पे एक एल्कीन है, ये कौन सी है, ब्यूटीन
डाईओएक एसिड। यहाँ पे हम हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम लेते हैं और विल्किंसन कहते हैं। तो क्या है, देखिए ड्यूटेरियम लग गया। अब आप देखिए यहाँ पे दो कायरल सेंटर जनरेट हुए, क्या हुआ, टू कायरल सेंटर्स आर जनरेटेड। यहाँ पे सैचुरेटेड एल्केन तो बन गया है, सैचुरेटेड कंपाउंड बना है ब्यूटेन डाईओएक एसिड, लेकिन यहाँ पे टू कायरल सेंटर्स आर जनरेटेड। जब टू कायरल सेंटर्स है तो प्रोडक्ट की बनने की एग्जिस्ट करने की दो पॉसिबिलिटी क्या है, अ मीजो कंपाउंड और अ पेयर ऑफ इनेंसियोमर्स। अब देखिए हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो एल्कीन है, तो यहाँ पे दो जियोमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, एक सिस एक ट्रांस। तो जब हम पहले सिस का लेकर देखते हैं, सिस तो ये सिस फॉर्म जो ब्यूटीन डाईओएक एसिड है, सिस फॉर्म को क्या कहते हैं, माइलेइक एसिड, माइलेइक एसिड। तो माइलेइक एसिड की जब हम रिएक्शन कराते हैं विल्किंसन के प्रेजेंस में तो जो कंपाउंड बनता है प्रोडक्ट वो क्या है, देखिए मीजो, ये मीजो कंपाउंड। ये अपने आप में क्वेश्चन है कि जब हम विल्किंसन के कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, मीजो। अच्छा कैसे बनता है हम बताते हैं आपको, ये आपका हुआ माइलेइक एसिड एच। अब यहां पे ड्यूटेरियम का एडिशन होना है, दो पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों ये प्लेन है, अबव द प्लेन दो के दोनों, क्योंकि हमने बताया था विल्किंसन कैटलिस्ट जो सिन एडिशन है हमेशा सेम फेस पे एडिशन होगा, तो हम एक पॉसिबिलिटी क्या लेते हैं, दोनों ही अबव द प्लेन हो रहा है, तो क्या बनेगा, ये ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम ये एसिड ग्रुप हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हाइड्रोजन। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ड्यूटेरियम का अटैचमेंट हो रहा है बिलो द प्लेन, ये तो क्या बनेगा, ये देखिए ये यहां पे ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम एच कार्बोक्सिलिक एसिड और यहां पे हाइड्रोजन और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों ही केसेस में देखिए क्या बनेगा, मीजो। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम एच एच और सेम यहां भी सेम मीजो कंपाउंड बनेगा। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो हम क्या देखते हैं, माइलेइक एसिड की रिएक्शन जब होती है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, मीजो। यहाँ मीजो है, हमने बताया था कि एक्सक्लूसिवली प्रोडक्ट बन रहा है मीजो, तो ये रिएक्शन क्या होगी, स्टीरियो सेलेक्टिव। ओके अब हम यहाँ पे दूसरा जियोमेट्रिकल आइसोमर ले रहे हैं, दैट इज द ट्रांस, ट्रांस ये क्या है, फ्यूमैरिक एसिड, फ्यूमैरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड की रिएक्शन जब हम ड्यूटेरियम से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट, तो आप देखिए दो ये रेसेमिक प्रोडक्ट क्या बना आपका, रेसेमिक, रेसेमिक मिक्सचर है, रेसेमिक मिक्सचर मतलब अ पेयर ऑफ इनेंसियोमर्स बना है। अब ये कैसे बना है मैं बता देता हूं आपको, सेम जैसे बताया था माइलेइक एसिड के बारे में वही चीज यहां भी है, यहां पे ट्रांस है एच सी ओ ओ एच, यहां भी टू पॉसिबिलिटीज हैं, एक अबव द प्लेन है, दोनों ड्यूटेरियम अबव द प्लेन जुड़ेंगे, एक बार दोनों ड्यूटेरियम बिलो द प्लेन जुड़ेंगे, अबव द प्लेन जुड़ रहा है ये बनेगा एच सी ओ ओ एच और ये हो गया एच सी ओ ओ एच। अब
दो के दोनों ड्यूटेरियम, चूंकि सिन एडिशन है इसलिए जब दोनों ड्यूटेरियम जुड़ेंगे तो दोनों ही बिलो द प्लेन जुड़ेंगे। तो ये COOH हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे एसे, इसका क्या बनेगा? ये H, यहां पे ड्यूटेरियम लगा, यहां पे हाइड्रोजन लगा, यहां पे हाइड्रोजन लगा, यहां पे ड्यूटेरियम लगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। इस वाले केस का जब आप बनाएंगे तो क्या बनेगा? एच, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ये क्या बना आपका? 2R 3R। ये वाला क्या बना? 2S 3S। ये दोनों ही एनसीओमर्स हैं। और अब ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फ्यूमेरिक एसिड जब लेके कराएंगे तो क्या बनेगा? रेसमिक मिक्सचर। प्राइज करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री को। अब आपने क्या देखा कि हमने देखो दो अलग अलग लिए, एक बार सिस लिया, सिस मतलब मैलेइक एसिड लिया तो क्या बना? मीजो प्रोडक्ट। और ट्रांस फ्यूमेरिक एसिड लिया तो क्या बना? पेयर ऑफ एनसीओमर। तो हम जब देख रहे हैं कि स्टीरियोकेमिकली डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस कर रहा है, इट मींस जो ये हाइड्रोजनेशन है वो क्या है? स्टीरियो। ये जो रिएक्शन है वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं डायस्टीरियोमर्स बनने की, उसमें से एक बार मीजो बनता है, एक बार रेसमिक मिक्सचर बनता है। इट मींस दिस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व दैट एडिशन इज ऑलवेज सिन एडिशन इन केस ऑफ विल्किंसन्स कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन। ये तीनों के तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स द हाइड्रोजनेशन ऑफ विल्किंस विद विल्किंसन कैटलिस्ट इज स्टीरियो स्पेसिफिक एज वेल एज स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स और ड्यूटेरियम आर एडेड इन सिन फैशन, दैट इज द एडिशन इज सिन एडिशन। That is all about the stereochemistry of Wilkinson's catalyst hydrogenation.